हेलो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वीजा के फायदों के बारे में। कनाडा वीजा का सबसे पहला फायदा यह है कि आपको मल्टी एंट्री वीजा मिलता है और वो 10 साल के लिए मिलता है। दूसरी बात क्या होती है, काफी लोग बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ 5 साल का वीजा मिला, मेरे को 7 ईयर्स का वीजा मिला। कनाडा वीजा में क्या होता है, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 7 ईयर्स बची हुई है या 6 ईयर्स बची हुई है या 4 ईयर बची हुई है या 10 ईयर बची हुई है, तो जितने ईयर्स की जो वैलिडिटी बची हुई होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उतने साल का वीजा मिलता है। सो दिस इज द रूल। दूसरा फायदा, अगर आपके पास कनाडा वीजा है और आपका पासपोर्ट खो गया तो आपने नया पासपोर्ट बनवाया, तो आप नए पासपोर्ट पे अपना पुराने वाला जो वीजा है वो फिर से रीप्रिंट करवा सकते हो, मतलब रीस्टैम्प है वो लगवा सकते हो, जस्ट पेइंग $30। आपको $30 पे करना होगा और आपको फिर से वीजा प्रिंट हो जाएगा नए पासपोर्ट पे। लेकिन यूएस वाले वीजा में ऐसा नहीं होता है। यूएस वीजा में पूरी की पूरी प्रोसेस फिर से होती है और उसके बाद में इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि लास्ट टाइम आपका वीजा मिल आपको वीजा मिला था तो इस टाइम आपको वीजा मिल जाएगा। मेरे को एक ऐसा पर्सन मिला जिस इंसान के पास पहले यूएस का वीजा था, देन उसका पासपोर्ट खो गया एंड देन वो फिर से इंटरव्यू देने के लिए गया और उसका वीजा डिनाइड हो गया। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, हमेशा अपने पासपोर्ट को सेफ रखें। सो दैट विल बी गुड अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो। आपके पास कनाडा वीजा है एंड देन आप अपने नॉर्मल वीजा को, जो विजिटर वीजा है, उस विजिटर वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या फिर वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप जब करवाते हैं तो आपको फिर से फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ता। जब फर्स्ट टाइम जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो फिंगरप्रिंट के $85 लगते हैं, तो सेकेंड टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम हम जाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, इस टाइप की रिसिप्ट मिलेगी जिसपे बार कोड लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है, और इसकी हेल्प से वो फिर से आपको, मतलब फिंगरप्रिंट की जो प्रोसेस है वो नहीं करनी पड़ेगी, आपके $85 है वो बच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसको हमेशा सेफ रखना होता है। ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। ये फिंगरप्रिंट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, इसका टूल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप ये फिंगरप्रिंट की जो ये स्लिप है इस पे बायोमेट्रिक आईडी है, वो बायोमेट्रिक आईडी आप उस टूल में डाल के आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट वैलिड है या नहीं है। यस, कनाडा वीजा का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास कनाडा का विजिटर वीजा है और आप कनाडा ट्रेवल कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपको जॉब मिल गई तो आप अपने जो विजिटर वीजा है उसको आप वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, बाकी अदर वीजा है उनमें ये पॉसिबल नहीं होता, इवन यूएस के वीजा में भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कनाडा वीजा का अगला सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके पास कनाडा वीजा है और आप कनाडा एक बार ट्रेवल कर चुके हो, उसके बाद अगर आप यूएस का वीजा अप्लाई करते हो, न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हो, सिनेगन वीजा अप्लाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते हो, तो आपके जो वीजा अप्रूव होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा इस चीज का ये है। और कनाडा वीजा का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप कनाडा वीजा की हेल्प से आप 30+ कंट्रीज हैं जो आप फ्री के अंदर ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी वीजा। इसमें कुछ रूल होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां आपको दिखाता हूँ कि वो ऐसी कौन सी 30+ कंट्रीज हैं जो आप फ्री के अंदर ट्रेवल कर सकते हो। टिल दैट आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अभी तक लगता है कि मेरे को वैल्यू मिली है, मेरे को फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी प्रेस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि आप किसी की मेहनत को वैल्यू करना नहीं जानते। ध्यान रखना कि जब आप भी कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी मेहनत को कोई वैल्यू नहीं करेगा। जीवन में हम जैसा करते हैं उसको वैसा ही मिलता है। सो एनी हाउ, अभी मैं बात करता हूँ कि ऐसी वो कौन सी 30 कंट्रीज हैं जो आप फ्री के अंदर घूम सकते हो कनाडा वीजा के साथ। सो ये है, मैं ऑलरेडी फायदे बता चुका हूँ,
तो अभी मैं जस्ट डायरेक्टली बात बात करूंगा कि ऐसी वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पहली कंट्रीज है मैक्सिको। मैक्सिको आप घूम सकते हैं, इसके लिए हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी कंडीशन है, तो वो आपको ध्यान देना है। सो सबसे पहली कंट्री है मैक्सिको। तो मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको एलिजिबल कंट्रीज की अगर बात करें तो सारे के सारे देश हैं वो अलाउड हैं, और वीज़ा की बात करें तो वैलिड और अनयूज्ड और यूज्ड। आपके पास कनाडा वीज़ा है देन यू आर अलाउड, और आपके पास कैनेडियन पीआर है देन आल्सो अलाउड। 180 डेज के लिए आपको परमिशन मिलती है, और इसके साथ में एक ये रूल है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वैलिड कैनेडा वीज़ा होना चाहिए, तभी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया देन यू आर नॉट अलाउड। तो इसका ये रूल है। तो सेकंड है कोस्टा रिका। तो इसमें भी यही है, सब में ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी मैं सारे के सारे की बात नहीं करूँगा, लेकिन अभी जस्ट मैं सारी जो भी कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्रीज़ की बात करूँगा। डिटेल में आपको जाना है तो डायरेक्ट आप ये जो पोस्ट है videsitraveler.com/blog वीज़ा फ्री कंट्रीज, तो ये आप विद कनाडा वीज़ा, तो ये आप चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, बाकी जो भी कंट्रीज हैं वो सारी मैं कंट्रीज आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, एसाल्वेडोर, गुआटेमाला, होंडरस, देन निकारागुआ, पनामा, अंगुइला, एंटीगुआ एंड बारबुडा। नेक्स्ट है अरूबा, बहामस, बरमूडा, बुआनेर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और ये है कैमन आइलैंड, ब्रिटिश टेरिटरी में आता है ये, क्यूबा, फिर है कार्सिवा, देन डोमिनिकन रिपब्लिक एंड देन हती, जमैका, सेंट मार्टिन, तुर्कस एंड कासियो, चिले, पेरू, जॉर्जिया, नॉर्थ मैकडोनिया, यूनाइटेड किंगडम, तो देन जॉर्डन एंड देन ओमान, कतर, अर्मेनिया, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान। सो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जो आप विजिट कर सकते हैं, हर के साथ छोटी मोटी कंडीशंस हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है तो यू कैन चेकआउट द पोस्ट, और अभी भी आपके माइंड में डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर US वीज़ा एंड यू हैव डाउट्स इन योर माइंड हाउ टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स, देन यू कैन ज्वाइन अवर US वीज़ा वेबिनार जो हम हर सैटरडे को शाम के 8 बजे कंडक्ट करते हैं। तो आप वेबिनार में अपने सारे के सारे लाइव क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसी टाइम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।